हे व्हाट्सअप गाइस ब्रो, देखो एम आई वाई वीएन का ये बिल्ड है ओके, जो मैं अभी टेस्ट करूंगा। तो ब्रो इसमें गेमिंग तो अच्छी है, पर ब्रो देखिए एक चीज मैं बोलता हूँ, वन प्लस से जितना भी आता है ना कस्टम रोम वो मस्त होती है, पर मैं ये भी टेस्ट कराता है एम आई वाई वीएन 14.0.6 को ओके। तो ब्रो ये गेमिंग के लिए तो रोम अच्छी है, पर मैं देखो मैंने 10 दिन से यूज कर रहा था, तो मेरे को रिजल्ट क्या है, 1 दिन 2 दिन मस्त चलती है, पर उसके बाद ना गेम ऑटोमेटिक लैग हो जाती है। और देखो ब्रो मैं 5 फिंगर हूँ, तो मेरे को ना मल्टी टच का इशू हो रहा है इसमें, तो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि मल्टी टच जो इशू है इसको कैसे फिक्स करना है। तो ब्रो इसमें बैटरी बैकअप भी तो मस्त है, कैमरा भी मस्त है, सब कुछ मस्त है ओके। मैं इसमें कर्नल यूज किया हूँ ओके, रियल किंग का कर्नल यूज किया, थर्मल यूज किया, वो भी ना इसमें विदाउट रूट भी मस्त है, इसमें सेफ्टी नेस पास है ओके, मैं पहले ही बोल देता हूँ, क्योंकि बहुत लोग को सेफ्टी नेस और सिक्योरिटी के लिए बहुत इशू होता है। तो इसमें सब ब्रो इसमें सब कुछ यूज कर सकते हो, पेमेंट भी मस्त चलेगा, सब कुछ मस्त चलेगा, नेटफ्लिक्स सब कुछ। अब ब्रो मैं कम्पिटिटिव प्लेयर हूँ ओके, और मैं पूरा रस खेलता हूँ, मैं टीडीएम इसलिए टेस्ट कर रहा हूँ ब्रो, आपको टच का इशू ठीक करना सिखाना मेरे को, मतलब आपको टच का जो प्रॉब्लम हो रहा है इसमें मैं एमआईवाई में, तो मैं उसको फिक्स करना कैसे उसको मैं बताऊंगा अभी आपको इसमें, तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी उसको टेस्ट कैसे करते हैं मल्टी टच को। तो ब्रो देखो मेरे कभी कभी ना स्लाइड करने में दिक्कत हो रही है, कभी राइड कर रहा हूँ तो जल्दी से हो नहीं पा रही है, तो मैं इसी को आपको फिक्स दिखाऊंगा। देखिए मैंने इसको स्कॉप कर मारा ओके, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ना अटकता है जब मल्टी टच ऑटोमेटिक 5 फिंगर्स टच होती है तो ओके। आज मैं एम असिस्ट तो उतना अच्छी नहीं है, मैं पहले बोल देता हूँ, अगर एम असिस्ट देखो ब्रो मैं एम असिस्ट बंद करके खेलता हूँ, पर आपके लिए मैं एम असिस्ट ऑन करके खेलता हूँ, क्योंकि बहुत लोग कमेंट में देखा हूँ एम असिस्ट बोलते हैं, तो इसीलिए। और मैं इस रोम के लिए एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, देखो आप अगर कैजुअल गेमर हो तो इस रोम के साथ जाओ, और इसमें बैटरी बैकअप सब कुछ अच्छी है ओके, और स्टेबल रोम है, कभी भी मेरे को रिस्टार्ट और ये सब बूटिंग का प्रॉब्लम नहीं हुआ है, तो आप ये रोम को यूज कर सकते हो। मेरे पास एक कस्टम रोम ओके, वो भी बहुत तगड़ी बहुत, अगर हार्ड कोर गेमर हो ना तो आपके लिए मस्त है, कंपेटिविटी के लिए तो जहर है ओके। तो आप वो दे दूँ, मैं उसको भी वीडियो बनाऊंगा, पर थोड़े देर में बनाऊंगा ओके, जब देखूंगा रिस्पॉन्स सही आ रही तो उसका मैं उसका वीडियो डाल दूंगा। अगर आपको पास भी कोई रोम है बहुत पुराना है, ऑल न्यू जो भी हो लेटेस्ट, आप चाहते हो कि मैं टेस्ट करूँ, तो आप मेरे को ना कमेंट में बता दिया करो कि ये रोम इंस्टॉल करके दिखाना, मैं सेम डेट को होकर मैं उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा ओके। और जो मैं टेस्ट करूंगा ना वो इवेंट पर उतरकर टेस्ट करूंगा, क्योंकि हार्ट को पूरा फुल मूवमेंट के साथ, तो मेरे को पता रहेगा कि ये लैग कर रहा है नहीं कर रहा, और मैं कैमरा और बग्गी फ्री देखूंगा ओके। तो ब्रो मैं आपको अब सेटिंग बताता हूँ जिससे ये आपका फिक्स हो जाए, मतलब मल्टी टच कैसे टेस्ट करना है, तो चलते हैं उस वीडियो में। तो पहले इसको एग्जिट कर लेते हैं ओके, की लॉक है, अब इसको एग्जिट कर लेते हैं यहाँ से, लो भी चलते हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे फिक्स करना है इसको। तो मैं अपना ये काट देता हूँ को, और मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे इसमें गए स्टार्ट टच के, अब इसमें ना आपको मल्टी टच करना ओके, देखना देखो स्क्रीन शॉट वो हो जा रहा है ना स्लाइड, जैसे मल्टी टच कर रहे हो, अब 3 फिंगर भी करो 4 फिंगर साथ तब भी अटक जाता है, कभी कभी आप 3 फिंगर टच करना ही करना है, तो उसमें ही ब्रो आपका कभी कभी फंस जाता है, क्योंकि जब प्रेस करते हो तो कभी अगर 4 फिंगर हो तो 3 फिंगर टच करना ही करना है। देखो क्या हो रहा है, स्क्रीन शॉट हो जा रहा है ओके, अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, देखो इसमें सही चल रहा है, देखो अटक गया, देखो अटक गया, देखो टच नहीं हो रहा है, यही प्रॉब्लम होता है आपके साथ अगर आपका स्क्रीन शॉट ऑन है। तो इसको फिक्स करने के लिए आपको सिंपल है, आप अपना वो बंद कर दो स्क्रीन शॉट को, तो ब्रो एकदम प्रॉपर काम करेगा ओके। आपको ये लगता हो ना अगर मैं गेमिंग मोड में ऑन करके करूँगा तो ऐसा नहीं होता ब्रो, अगर आप कर भी लोगे तभी गेमिंग मोड में तभी ये काम करता ही है ओके। तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, उसके बाद देखना क्या मस्त चलती है। तो मैं चलता हूँ स्क्रीन शॉट में, 3 फिंगर स्लाइडर को दोनों को बंद कर देता हूँ, तो देखो ब्रो चल रही ना अच्छा, अब देखो 3 फिंगर से हो रही मस्त काम कर रही है। देखो तभी क्या हो रहा था, अटक जा रहा था, तो वही होता है जब आप 3 फिंगर से वो करते हैं ना कभी टच करते तो आपका वो अटक जाता है, तो देखो अब प्रॉपर मस्त काम कर रही है ना, वर्क कर रही ना। तो ब्रो अब चलते हैं गेम में, आपको अब दिखाते हैं गेम में क्या मस्त काम कर रही है। यहाँ देखो मैंने पूरा फुल फिंगर से टच करा तभी कुछ नहीं हो रहा प्रॉब्लम, तो चलते हैं गेम में दिखाते हैं आपको। अब जैसे हम गेम में आ गए, अब आप दिखाते हैं बिफोर और आफ्टर का, पहले टच रिस्पॉन्स क्या होता था, स्लो होता था, कभी कभी दर्द होता था, अब देखना अटकेगा ही नहीं, मस्त इसको सब कुछ होगा ओपन, आपका वही प्रॉब्लम था जिससे आपका वो फिक्स नहीं हो रहा था। अरे कोई ना पीछे से ले लिया। तो ब्रो पहले मैं बोलता हूँ स्क्रीन शॉट जब भी हो ना जो भी EMIY में हो आप उसका बंद कर दो, और EMIY का जो 14.0.6 है VN का वो बेस्ट है गेमिंग के लिए, पर वही 2 दिन के बाद अगर थोड़ा सा लेट चाहते हो मतलब थोड़ा जीटर उटर तो उसमें रह सकते हो, पर वो रोम अच्छी है, पर एम असिस्ट इतना खास नहीं है मैं पहले बोलता हूँ ओके।
तो मैं आपसे एक कस्टमर का वीडियो डालूंगा उस वीडियो में, क्योंकि मैं जो भी गेमिंग होगा ना वही बताऊंगा आपको, जो कस्टमर बेस्ट होगा गेमिंग के लिए वो भी सजेस्ट कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट कस्टमरों के साथ, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।